सुस्वागतम वणक्कम सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ लेकर दिन विशेष जो है आज के 23 सितंबर के। जी हाँ बहन भाइयों, तो 23 सितंबर के दिन विशेष लेकर हाजिर हो गया हूँ जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जन्मदिन है, स्मृति दिन है, आज के दो सुविचार और आज का सवाल भी है जो रोचक सवाल है। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है वही, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों। तो सबसे पहले कीजिए स्वीकार श्री नारायण का सस्नेह नमस्कार, और ये रहे आपके लिए दो सुविचार। सबसे पहला सुविचार यह है कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। जी हाँ बहन भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। दूसरा सुविचार, बुरा वक्त बताकर नहीं आता बहनों भाइयों, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर जाता है। जी हाँ, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, वो तो कुछ सिखाकर जाता है। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल यह है कि भाई कौन से बिच्छू का जहर सबसे महंगा बेचा जाता है। जी हाँ भाई, वो बिच्छू का नाम बताना है, कौन से बिच्छू का जहर सबसे महंगा बेचा जाता है। तो चलिए बहन भाइयों, ये हुआ सवाल और सवाल का जवाब ढूंढिए। अगर आपको ना मिला तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहन भाइयों, शुरू करते हैं आज के दिन विशेष। आज विश्व सांकेतिक भाषा दिन है, साइन लैंग्वेज डे है, यानी ये मूक बधिर व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष जो 23 सितंबर के हैं 23। तो 23 यानी 23 सितंबर के ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1803 में अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ जो आष्टा में खेला गया, आष्टा। 1846 में अर्बेन ली वैरियर नाम है ये, अर्बेन ली वैरियर, इन्होंने नेपच्यून ग्रह की खोज की और गणितीय आंकड़ों के आधार पर खोज किया हुआ ये पहला ग्रह है। महात्मा फुले, इनके सहयोगी राव बहादुर नारायण लोखंडे, इन्होंने बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन, इस मिल मजदूर संगठन की स्थापना की। साल था 1884। 1905 में नॉर्वे और स्वीडन ने कार्लस्टैड करार के अनुसार अलग होने का निर्णय लिया, जबकि वो पहले एक थे। 1908 में कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की स्थापना हुई। 1932 में हेजाज और नेजड, इनको सऊदी अरेबिया राज्य का नाम दिया गया। 1983 में सेंट किट्स और नेवीज, इन देशों का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 2002 में मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउज़र की पहली आवृत्ति प्रकाशित हुई। 1641 में 6000 करोड़ से अधिक सोना और चांदी से भरा हुआ रॉयल मर्चेंट जहाज इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम समुद्री भाग में डूब गया। 1889 में वीडियो गेम बनाने वाली अमरीकी जग प्रसिद्ध कंपनी निंटेंडो इसका प्रकाशन हुआ। सन 1739 में रूस यानी रशिया और तुर्की के बीच
बेलग्रेड शांति समझौता, इस पर हस्ताक्षर हुए। 1929 में बाल विवाह निरोधक विधेयक यानी शारदा कानून पारित किया गया। 1955 में पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1958 में ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया। 1970 में अब्दुल रजाक बिन हुसैन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। 1986 में अमरीकी कांग्रेस ने गुलाब को देश का राष्ट्रीय फूल चुना। 1992 में युगोस्लाविया का संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन हुआ। 2000 में सिडनी ओलंपिक में अमेरिका की धाविका जिनका नाम था मैरियन जोन्स, 100 मीटर दौड़ का इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। 2002 में जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रीएडर पुनः सत्ता में आए। 2009 में इसरो ने, जो भारत की कंपनी है साइंटिस्ट लोगों की, इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशन सैट 2 इसके समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं हुई 23 सितंबर के। अब आज के जन्मदिन, उद्योगपति प्रशासक होमी मोदी 1881, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक एवीपी रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक पीआर कृष्ण कुमार 1951, सिंगर पलश सेन 1965, मंगोल सम्राट कुबलाई खान 1215, जापानी सम्राट कोकाकू 1771, बुश कंपनी के संस्थापक रॉबर्ट बुश 1861, समाजवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली 1903, देशभक्त हिंदी साहित्यिक रामधारी सिंह दिनकर 1908, भारतीय भौतिक शास्त्रज्ञ राप्पल संगमेश्वर कृष्णन 1911, ब्रुनेई के राजा ओमर अली सैफुद्दीन तीसरा 1914, नोबेल पारितोषिक विजेता अमरीकी भौतिक शास्त्री क्लिफर्ड शुल 1915, भारतीय रसायन शास्त्री आसिमा चटर्जी 1917, पुणे यूनिवर्सिटी के कुलगुरु और शिक्षा तज्ञ देवदत्त दाभोलकर 1919, नाट्य लेखन अभिनेता भालभा केलकर 1920, अभिनेत्री तनुजा 1943, समाजशास्त्री डॉक्टर अभय बंग 1950, क्रिकेट खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ 1952, हिंदी पंजाबी अभिनेता प्रेम चोपड़ा 1935, अभिनेत्री शालिनी पांडे 1993, क्रिकेट खिलाड़ी अंबाती रायडू 1985, सिंगर कंपोजर राहुल वैद्य 1987, मराठी अभिनेत्री अलका कुबल 1963, कंपोजर म्यूजिशियन बलवंतराय भट्ट 1921, शहनाई वादक भास्कर नाथ 1994। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन, मराठों का इतिहास लिखने वाले लेखक ब्रिटिश अधिकारी ग्रैंड डफ 1858, फ्रेंच लेखक इतिहासकार प्रॉस्पर मेरिमी 1870, जर्मन रसायनशास्त्री फ्रेडरिक वोहलर 1882, आधुनिक मानसशास्त्री और मानसशास्त्र के जनक सिगमंड फ्राइड 1939, नाटककार भार्गवराम विठ्ठल तथा मामा वरेरकर
1964 जादूगर कांतिलाल गिरधारीलाल तथा के लाल 2012 हरियाणा के क्रांतिकारक राव तुलाराम 1863 गीतकार संवाद लेखक पटकथा लेखक कवि राजेंद्र कृष्ण 1987 अभिनेता भूपेश पांड्या 2020 आधुनिक आयुर्वेदिक जगत के प्रख्यात पंडित पंडित सत्यनारायण शास्त्री 1969। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब सवाल का जवाब बाकी है, तो सवाल ये है कौन से बिच्छू का जहर सबसे महंगा बेचा जाता है। तो उस बिच्छू का नाम है डेथस टॉकर ये बिच्छू का नाम है और ये डेथस टॉकर इसका जहर दुनिया में सबसे महंगा बेचा जाता है, यानी कि एक मिलीलीटर की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है और ये सितंबर 2023 की कीमत है। भाई इतना महंगा ये क्यों बेचा जाता है, इसका कारण है कि एक बिच्छू एक बार में सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर देता है, यानी अगर आपको 1 गैलन जहर के लिए कम से कम 26 लाख बिच्छू के डंक से जहर निकालना पड़ेगा। जहर बहुत खतरनाक होता है, अगर ये जहर हमारे शरीर में जाए तो बहुत ही दर्द होता है। ये बिच्छू नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में ये पाया जाता है। साथ ही साथ बहनों और भाइयों राजस्थान के थार रेगिस्तान में भी ये बिच्छू पाया जाता है। ये बिच्छू क्लोरोटॉक्सिन नाम का जहर इसके द्वारा पाया जाता है और इसके जहर से फायदे जो होते हैं, ये फायदे ये हैं ब्रेन और स्पाइन के सेल्स में होने वाले कैंसर का फाइंड करने में इसकी मदद होती है और ट्यूमर के साइज और लोकेशन कहाँ है इसका पता करने में भी इसकी मदद होती है। भाई मच्छरों के अंदर से मलेरिया ख़त्म करने में भी इसने सफलता प्राप्त की है। इस जैसे कई दवाइयों के लिए दवाई बनाने के लिए इस जहर का उपयोग किया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया जानकारी वहाँ पर पड़ी है। तो चलिए भाइयों अब आज का दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, आज का दिन विशेष यहाँ ख़त्म करते हैं। तो अगर आज की वीडियो और आज की जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा बहनों भाइयों, है ना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। तो चलिए बहनों भाइयों अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। नमस्कार बहनों भाइयों, सीनारे को दीजिएगा आज्ञा, आदाब।